वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लीज। आज हम जो करेंगे वो टॉपिक है हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ टॉप स्केलर पॉइंट फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? स्केलर हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? फाई से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो कैसे फाइंड आउट करेंगे ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन इन द डायरेक्शन, अगर लिखा है तो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई एट द पॉइंट आपके पास कोई गिवन होगा एट द पॉइंट पी एक्स वाई जेड, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, क्या होगा आपके पास? ए इज गिवन बाय डी फाई से करते हैं और किसकी डायरेक्शन में आपके पास, तो इसको इस तरह से लिखते हैं डेल फाई डॉट ए। डेल फाई इन द डायरेक्शन लिखा है तो ऐसे, और सिंपल डायरेक्शन डेरिवेटिव निकलवाए तो डेल फाई से। जैसे हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को इन द डायरेक्शन निकालना था, तो वेलोसिटी में तो हमने यही कहा था ना वेलोसिटी डॉट ए यूनिट वेक्टर, तो वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए निकाला था। एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए निकाला था, तो एक्सेलरेशन हमने किस तरह से किया था, तो सेम वैसे ही है। अगर वेलोसिटी निकालनी थी तो सिर्फ वी निकालना था, और वेलोसिटी इन द डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए निकालना था, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। इसी तरह से एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन, तो यहाँ इसी तरह से है आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन को हम इस तरह से निकालेंगे। डेल फाई हम ऑलरेडी बता चुके हैं, डेल आपके पास क्या था, डेल एक ऑपरेटर था और इसको हमने बताया था कि क्या होता है हमारे पास कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई जे और प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड के, ये भी हम पहले बता चुके हैं। तो डेल फाई आपके पास क्या होगा यहाँ पर, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस में कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई जे और प्लस में कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड के। तो इस तरह से हम डायरेक्शन डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर की फॉर्म में हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है डेल फाई डॉट दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर ए, ठीक है। फिर अगर आपसे कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड द नॉर्मल टू द लेवल सरफेस आपको निकालनी है, तो फिर कैसे निकालें? तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है इसपे, और शायद एग्जांपल भी दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल, टेंजेंट की भी निकालनी और नॉर्मल की भी, टू लेवल सरफेस मतलब आपके पास कोई सरफेस दे रखा होगा लेवल सरफेस, ठीक है। तो लेवल सरफेस का मतलब क्या है कि अगर फाई आपके पास स्केलर दे रखा है तो इसको बोलेंगे हम लेवल सरफेस। जैसे फाई इस तरह से दे दिया और ये आपके पास कोई भी वैल्यू दे रखी फाई की, सी दे दी, कॉन्स्टेंट दे दी, तो बी द इक्वेशन ऑफ, इसको बोलेंगे हम बी द इक्वेशन ऑफ लेवल सरफेस। इसकी है ये आपके पास लेवल सरफेस की इक्वेशन है, ऑफ लेवल सरफेस, लेवल सरफेस। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टेंजेंट प्लेन की और नॉर्मल प्लेन की टू द लेवल सरफेस, तो लेवल सरफेस आपके पास गिवन होगा और P और Q आपके पास पॉइंट गिवन होंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ होगा। तो अब हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट की और नॉर्मल की? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट P, जो भी पॉइंट आपके पास दे रखा है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन
tangent plane at point P. तो कैसे करेंगे हम इसके लिए, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर पी क्यू, ये आपके पास गिवन होगा क्योंकि हम एक्स वाई जेड मान लेंगे, ठीक है, और डॉट डेल फाई इज इक्वल टू जीरो। इससे जो आपके पास इक्वेशन आएगी उसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अभी हम करेंगे इसके एग्जांपल भी करेंगे। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या करना है आपको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन एट पॉइंट पी आपके पास क्या होगी, पी क्यू क्रॉस, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी और ये हो गया आपके पास डेल फाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी एट पी और ये हो गया आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यूज करेंगे इसमें जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये फॉर्मूले याद रखने। लेकिन अगर आपको दो सरफेस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो फिर कैसे करेंगे, तो एंगल बिटवीन ये हम उसमें करते थे 12th क्लास में, कि अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सरफेस के बीच का एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे। दो सरफेस दे रखे होंगे, जैसे हमने ले लिया फाई वन सरफेस और फाई टू सरफेस, लेवल सरफेस हमने बताया ना फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो आपके पास सरफेस दे रखे होंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ भी आपके पास लिखा होगा एक्स वाई जेड। तो आप इन दोनों के बीच का अगर एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, तो कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे हम, कोस थीटा इज इक्वल टू डेल फाई वन यहाँ डॉट आएगा डेल फाई वन डॉट डेल फाई वन डॉट डेल फाई टू डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे दो सरफेस का लेवल सरफेस के बीच का एंगल। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट वन का स्टेटमेंट दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो अभी मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस सरफेस क्या दे रखा है अपने पास यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25। लेवल सरफेस की आपको इक्वेशन दे रखी है एंड द पॉइंट, पॉइंट का मतलब पी पॉइंट, इस पॉइंट पर निकालने इक्वेशन आपको पी पॉइंट पर एंड द पॉइंट और पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर 403। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने दोनों इक्वेशन अभी आपको ऊपर बताई थी, तो इससे हम कर सकते हैं दोनों इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए हमें क्या चाहिए था, डेल फाई चाहिए था सबसे पहले। तो इक्वेशन ऑफ द सरफेस आपके पास जो ये रखी है वो क्या हो गई, डेल फाई करेंगे पहले, उसमें से डेल फाई फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सरफेस क्या दे रखी है आपके पास, इक्वेशन ऑफ सरफेस इज क्या दे रखी है आपके पास फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू जीरो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये आपके पास 2x हो जाएगा। कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट कर लेते हैं, ये आपके पास 2y हो जाएगा।
और कर्ल फाइव विद रिस्पेक्ट टू जेड फाइंड आउट कर लेते हैं, ये आपके पास टू जेड हो गया। क्योंकि जो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है उसमें क्या चाहिए, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, डेल फाई डॉट पी क्यू, ठीक है। तो वो हमें फाइंड आउट करने के लिए ये फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट, और पॉइंट को नाम दे दिया पी, और पी के आपके पास 403। तो हमने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था इसका, क्या फॉर्मूला बताया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला ये था आपके पास, पी क्यू डॉट डेल फाई इज इक्वल टू जीरो, ये था आपके पास पी क्यू डॉट डेल फाई इक्वल टू जीरो। तो आप पी क्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और पी क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी पॉइंट आपके पास ये दे रखा है क्यू, तो हम मान लेते हैं कि लेट क्यू इज कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। तो पी क्यू आपके पास क्या हो जाएगा, पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू माइनस में पोजिशन वैक्टर ऑफ पी, इस तरह से आप लिख सकते हैं पी क्यू को। ये जीरो हो गया तो ये वाई जे आ जाएगा सिर्फ, और नेक्स्ट आपके पास जेड माइनस में थ्री के आ जाएगा। तो अब हम कह रहे हैं कि इक्वेशन क्या बताई थी हमने इसमें, तो इसकी जो इक्वेशन थी आपके पास वो क्या थी, डेल फाई, ऊपर अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपको, दोबारा रिपीट कर देते हैं। इसका जो फॉर्मूला था अपने पास क्या था, पी क्यू डॉट डेल फाई इक्वल टू जीरो, पी क्यू डॉट डेल फाई इज इक्वल टू जीरो। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पर, पी क्यू डॉट डेल फाई इक्वल टू जीरो। पी क्यू क्या हो गया आपके पास, ये पी क्यू रहा आपके पास, तो पी क्यू क्या हो गया आपके पास, एक्स माइनस में फोर आई प्लस में क्या आ गया आपके पास, वाई जे, और प्लस में क्या हो गया, जेड माइनस में थ्री के। और इसकी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, डेल फाई के साथ, और डेल फाई क्या होता है हमारे पास, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस में कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई जे और प्लस में कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड के। तो ये हो गया, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास x माइनस फोर इन टू कर्ल फाइव विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आई डॉट आई वन हो जाएगा। इसी तरह से ये था यहाँ पर y, कर्ल फाइव विद रिस्पेक्ट टू y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2y, और इसी तरह से आपके पास z माइनस थ्री था ये, और कर्ल फाइव विद रिस्पेक्ट टू z की वैल्यू है हमारे पास 2z, ठीक है। और इक्वल टू क्या है ये, जीरो, इक्वल टू जीरो। तो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली इनकी, डॉट प्रोडक्ट कर ली, और डॉट प्रोडक्ट के बाद जब हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का जो आएगी, एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, कर्ल फाइव। तो ये आ गया आपके पास टू एक्स इंटू में एक्स माइनस फोर, फिर क्या आया आपके पास यहाँ पर, टू वाई इंटू में कैपिटल वाई, और फिर नेक्स्ट क्या आया आपके पास, टू जेड इंटू में कैपिटल जेड माइनस में थ्री इक्वल टू जीरो। लेकिन किस पॉइंट पर निकालनी है हमें, तो एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, पॉइंट क्या दे रखा है आपके पास, 403। तो 403 पर हम फाइंड आउट करेंगे, एट ए पॉइंट 403, तो 4 रखेंगे x की जगह, तो ये 8 बन जाएगा, 8 इंटू में x माइनस 4, फिर यहाँ पर हमने y की जगह 0 रखना है, तो ये 0y हो जाएगा, और z की जगह हमें क्या रखना है, 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 इंटू में कैपिटल जेड माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, यहाँ पर इक्वेशन जो है आपके पास क्या आएगी, यहाँ पर 8x, यहाँ से 0y और प्लस में 6 जेड, और यहाँ से 32 हुआ और यहाँ से माइनस का 18 हुआ, तो क्या हुआ होगा आपके पास 50, तो माइनस के 50 इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 4x प्लस में 3z माइनस में 25 इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, एट पॉइंट पी, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए भी हमने बताया था आपको। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे अब हम यहाँ पर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होगा आपके पास? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपके पास? पी क्यू क्रॉस क्या था आपके पास? डेल फाई इक्वल टू जीरो। तो आप ये यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप दूसरे इसके कार्टेशियन फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या थी यहाँ पर हमारे पास? हमने वहां नहीं बताया था आपको। तो कार्टेशियन फॉर्म थी आपके पास x माइनस में x डिवाइडेड बाय कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट क्या था? कैपिटल y माइनस में y डिवाइडेड बाय कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू y। और नेक्स्ट था आपके पास z माइनस में z डिवाइडेड बाय कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू z। जो स्मॉल x y z है दैट आर द पॉइंट ऑफ p, और p आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पर? 403, ठीक है। तो यहाँ 403 रखेंगे तो कैपिटल x माइनस में 4 डिवाइडेड बाय कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू आ गई थी आपके पास 2x। यहाँ हो गया कैपिटल y माइनस 0 और यहाँ आ गया था आपके पास 2y। और इसी तरह से z माइनस 3 हो गया और यहाँ आ गया था आपके पास 2z, ठीक है। लेकिन फिर x y z की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम, तो x y z की जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? x माइनस में 4 डिवाइडेड बाय कितनी थी इसकी वैल्यू? x की वैल्यू दे रखी हमारे पास 4, तो ये बन गया आपके पास 8। ऊपर आपके पास y है, ये 0 है आपके पास, यहाँ z माइनस 3 और इसकी 3 दे रखी थी, तो ये आपके पास क्या आ गया? 6। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, और ये y अपॉन 0, ये कैपिटल y है यहाँ पर, और कैपिटल y यहाँ हो गया z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया। और अगर इससे निकालेंगे हम, ये तो कौन सी फॉर्म लिख दी हमने? कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में है, कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, ये जो आर्टिकल में मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें भी गिवन है और मैंने लिख भी दी है। एक्चुअल में ये होती है आपके पास जो पॉइंट गिवन होते हैं ना, इस तरह से x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ठीक है। लेकिन एक्स वाई एक्स वन वाई वन जेड वन हमारे पास 403 दे रखे हैं, इसलिए मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। और कल फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कल फाइव विद रिस्पेक्ट टू वाई, कल फाइव विद रिस्पेक्ट टू जेड, जो हमने लेवल सरफेस की जो इक्वेशन दे रखी है उससे फाइंड आउट कर लिए। ऊपर पर क्या था हमने? जब टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करी थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसी के बिहाफ पे दे रखे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन की तरह से हो जाएंगे आपके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट एग्जांपल की तरह से। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या दिखा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है? टू द सरफेस, सरफेस की इक्वेशन दे रखी है आपके पास, टू द सरफेस, सरफेस आपके पास गिवन है, क्या दे रखा है सरफेस यहाँ पर आपके पास? एक्स की पावर 4 माइनस 3xyz प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट, पॉइंट भी गिवन है, एट द पॉइंट किस पॉइंट पर निकालना आपको? एट द पॉइंट 111। और जब भी आपसे कहा जाए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर तो था आपके पास dr अपॉन dt डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, दैट मींस डेल फाई डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, ऐसे निकालेंगे। तो फाई तो आपके पास दे रखा है, फाई एक्स वाई जेड क्या दे रखा है आपके पास? लेवल सरफेस की इक्वेशन क्या दे रखी है आपके पास? ये दे रखी। और ये क्या दे रखी है आपके पास? एक्स की पावर 4 माइनस में 3 एक्स वाई जेड प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है।
तो ये हो गया आपके पास tan pi विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 4x क्यूब माइनस में 3yz, ठीक है। फिर आपको करना है tan pi विद रिस्पेक्ट टू y, tan pi विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 3xz, और tan pi विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, z किया तो आपके पास आ गया माइनस के 3xy, और z के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 2z, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई यहाँ पर, और अब हम किस पॉइंट पर निकालना हमें 1 1 1 पर, और 1 1 पे निकालेंगे तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, tan pi विद रिस्पेक्ट टू x जो है आपके पास इसमें 1 1 1, तो tan pi विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट एट 1 1 1 किस पे निकालेंगे 1 1 1 1 1 पे निकाला तो ये आ जाएगा 4 माइनस में 3, तो दैट मींस इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी तरह से tan pi विद रिस्पेक्ट टू y निकाला, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 3, और tan pi विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड आउट किया तो माइनस 3 प्लस कितना आ गया आपके पास 2, और ये भी आपके पास ये क्या आ गई माइनस 1। तो फाइनली आपके पास tan pi जो है वो क्या आ गया एट पॉइंट 1 1 1 1 1 1 पॉइंट पर डेल फाई क्या आ गया आपके पास, डेल फाई की वैल्यूज निकाल ली हमने, तो डेल फाई क्या होता है आपके पास कर्न फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस में कर्न फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई जे और प्लस में कर्न फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड के। ये तीनों वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं और ये यहाँ सब्टीट्यूट करेंगे, सब्टीट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहला आएगा माइनस का आई, सॉरी प्लस का आई आएगा, वन था प्लस का, तो ये प्लस का आई हो जाएगा, माइनस का 3j हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास tan pi की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अब क्या करना है हमें नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हैं हम, कैसे निकालते हैं i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मींस क्या आ गया आपके पास √11। तो अब आप फाइनली क्या निकालेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर का हम फार्मूला पहले बता चुके हैं इस पर टू द सरफेस, सरफेस की इक्वेशन आपके पास दे रखी थी जिसको हमने क्या मान लिया था फाई, तो इसका फार्मूला हमने ऊपर बताया था आपको डेल फाई डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, डेल फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर, डेल फाई की वैल्यू क्या आई थी आपके पास आई माइनस 3j माइनस k, तो ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर आई माइनस 3j माइनस का k और डिवाइडेड बाय क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो यूनिट वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास, उसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आज इस टॉपिक को इतना ही करना है आपको, पहले दो एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं और फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन है, तो इन द डायरेक्शन दे रखा है तो हम क्या करेंगे उसको, जो फॉर्मूला आपको बताया इन द डायरेक्शन उस तरह से हम करेंगे, तो कल इसको हम बताएंगे आपको कि कैसे करना है, आज यहीं तक करना आपको। थैंक यू वेरी मच।